आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है और भारत उनसे एक कदम आगे है। नेट जीरो भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं, लोगों ने घरों पर भी सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे 25 साल तक बिजली 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। साथ ही शहर को सोलर सिटी। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिद्रा दोस्ती ऑफिशियल में एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस पर्टिकुलर सेशन को, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको यहाँ पर मेरे सारे सेशन की लिंक वगैरह अपडेट होती हुई मिलेंगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी विल बी इनॉग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है और भारत उनसे एक कदम आगे है, राइट? सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी है कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा का सोर्स है। इसी को बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सांची देश की पहली सोलर सिटी बन चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची स्थित स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में सांची सोलर सिटी का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेट जीरो भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐतिहासिक धरोहर सांची को सोलार सिटी के रूप में तैयार किया गया है। नागौरी की पहाड़ी पर 18 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से लगाए गए सोलर प्लांट से 3 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, जिसे बढ़ाकर 5 मेगावाट तक ले जाया जाएगा। यही नहीं, लोगों ने घरों पर भी सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे 25 साल तक बिजली मिलती रहेगी और उन सोलर पैनल का जो खर्च है वो लगभग 5 वर्षों में बिजली बिल के बराबर हो जाएगा। सांची की सोलर सिटी स्थापित हो जाने से सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2.3 लाख वृक्षों के बराबर है। शासन तक नागरिकों के ऊर्जा संबंधी व्यय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सालाना लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। सांची शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही इको फ्रेंडली सुविधाओं के जरिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करके टूरिज्म को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व की भागीदारी से विभिन्न स्थानों पर सोलर वाटर कियोस्क स्थापित किए गए हैं, जिससे सार्वजनिक सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। वहीं सांची शहर में बैटरी चलित ई रिक्शाओं को भी चलाया जाएगा, जिनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। बैटरी रिक्शा में एक्सीडेंट का खतरा भी कम होता है, साथ ही साथ ये रोजगार का एक अच्छा माध्यम बनेगा और इसकी बिजली खपत भी कम होगी। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सुविधाएं तेजी से बढ़ रही है और ये सस्ती भी हो रही है। सांची शहर में 2 बैटरी चलित कचरा वाहन भी शुरू कर दिए गए हैं। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जिसमें 4 कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट तथा 3 ई रिक्शा पॉइंट है, ये भी सांची में स्थापित किए गए हैं और इस तरह से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों ये कि सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है जिनसे पॉल्यूशन कम हो। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद।